आम खबर आपको दें, वफाकी काबीना ने मोटरवेज और हवाई अड्डे गिरवी रखने के प्लान की मंजूरी दे दी है। इस बारे में तफसील लेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ, क्या हकायक सामने आ सके हैं इस पॉलिसी से मुतल्लिक अब तक? आतिफ आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, क्या मालूमात है आपके पास? जी, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत खत्म हो गया है। काबीना ने मोटरवेज और हवाई अड्डे गिरवी रखने के प्लान की मंजूरी दे दी है। काबीना के इजलास में महंगाई और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई है। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। काबीना के इजलास के जो एजेंडे के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन लिमिटेड बोर्ड के जो चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने हुकूमती असासों के इवज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अजारा स्कूप बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दे दी है। बैंकों से मतलब जो खसूसी केसेस की इंस्पेक्शन की रिपोर्ट का मामला था वो मोखर कर दिया गया है। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। स्कॉटलैंड होटल कराची की जमीन के इस्तेमाल का मामला जो है वो मोखर कर दिया गया है। ममनुआ बोर लाइसेंस के इजरा की मंजूरी जो है वो भी मोखर कर दी गई है। इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के लिए कायम कमीशन में मेंबरार की तैनाती का मामला भी जो है वो मोखर किया गया है। लक्समबर्ग के साथ जो दोहरी शरीयत के माहदे की मंजूरी दे दी गई है। शुक्रिया आपने इससे मुतालिक किया।